अस्सलाम वालेकुम टोरियंस मैं अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक मसरूफ़ वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ अगले छः दिनों में तकरीबन एक हफ्ते में तीन मेजर चेंजेस हैं एस्ट्रोलॉजिकली एंड अगर आप उन्हें अच्छे अंदाज़ से समझ जाएं टोरियंस तो दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि आप बेहतरीन फ़ायदों की तरफ जाएंगे मैं बहुत तेज़ी से कम टाइम लेते हुए ज़्यादा इन्फॉमेशन आप तक पहुँचाता हूँ आपका रूलिंग प्लानट वीनस पाँच नवंबर को एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम अमूमी तौर पर एक महीने के लिए आ, किसी भी एंगल पर जाता है लेकिन इस दफ़ा जब वो कैप्रिकॉन हाउस में पाँच नवंबर को दाखिल होगा तो वहाँ चार महीने रहेगा इस पूरे साल 2021 में वीनस रेट्रोग्रेड नहीं हुआ इस एंगल पर वो दिसंबर में जा कर रेट्रोग्रेड भी होगा तो पीछे को आएगा पीछे को आने के बाद आगे को जाएगा तो अच्छा लंबा टाइम इधर रहने वाला है और दोनों बिहेव करेगा पॉजिटिव भी नेगेटिव भी इसी एंगल पर जब तक ये डायरेक्ट है पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिविटी आप इन्जॉय करेंगे फिर इसी एंगल पर ये रेटोग्रेड हो जाएगा तो आपके लिए इसके उलट भी होगा जो चीज़ें आपने पहले डायरेक्ट फॉर्म में इंजॉय की होंगी वो जब रेटोग्रेड होगा या तो वो रुकेंगी या रिवर्स होंगी तो यू हैव टू केयरफुल वीनस आपके नाइन्थ एंगल पर आएगा दिस इज एंगल ऑफ लव एंड केयर एंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंगल ऑफ प्लेजर्स एंगल ऑफ अटैचमेंट्स प्रपोजल्स लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ये सब आपको मिलेंगे एंड पर्सनालिटी इन्हैंसमेंट आल्सो दोस्ती में इजाफ़ा खाने पीने में दिल लगना ज़िंदगी का मज़ा आना सादा लफ्ज़ों में क्योंकि वीनस इज़ द फोर्स जहाँ से खुशियाँ ज़्यादा आती हैं अल्लाह ताला की तरफ से इसके ज़िम्मे जैसे सूरज के ज़िम्मे अगर रोशनी है जैसे चाँद के ज़िम्मे अगर ठंडक है तो इसी तरह वीनस के ज़िम्मे अल्लाह ताला की तरफ से ये मोहब्बत और ये उसके जनरल एडवांटेजेस हैं सभी को मिलते हैं लेकिन आपको इसके कुछ यूनिक एडवांटेजेस भी मिलेंगे जो सभी को मिलेंगे वो मोहब्बत है प्रपोजल्स हैं लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हैं फैमिली वेलफेयर है बड़ों के साथ अटैचमेंट्स हैं बॉसेस के साथ अटैचमेंट्स हैं स्परिचुअल साइड पर आपकी तवज्जो है ये सब जनरल एडवांटेज स्पेशल एडवाटिजेस पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट सेहत का ठीक रहना एंड आपकी फेम में इजाफ़ा होना ये स्पेशल और इसकी वजह से चार महीने तक अब आपको आपके रूलिंग प्लानट का स्टेबल रहना आपके लिए फेवरेबल रहेगा बीच में तकरीबन वो कोई अट्ठाईस या पच्चीस दिन के लिए रेट्रोग्रेड होगा वो जब टाइम करीब आने लगेगा वो मैं बयान कर दूंगा बल्कि मैंने एक अलग वीडियो वीनस के इस बिहेवियर पर इस चार महीने के बिहेवियर पर बना दी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा दूसरी तब्दीली इस हफ़्ते मरकरी आपके यहाँ सेवन्थ एंगल पर दाखिल हो जाएगा वो भी पाँच ही नवंबर को होगा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर मेजर चेंजेस का वीक है जब वो सेवन्थ एंगल पर दाखिल होगा तो आपके लिए ये लाइफ like पार्टनरशिप का ये बेहतरीन प्लानिंग का ये पार्टनरशिप का ये पब्लिक इमेज को बेहतर बनाने का एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करने का विजन को ब्रॉड करने का कॉन्फिडेंस को हाई करने का टाइम शुरू हो जाएगा फिफ्थ ऑफ नवंबर से सिर्फ मरकरी दाखिल हो तो तालीमी सरगर्मियाँ आपको मिल जाती सिर्फ मरकरी सेवन्थ एंगल पर दाखिल होता तो अकलमंदाना प्लान्स करते कैलकुलेशंस करते एंड अफेक्टिव प्रोसेसेस करते मतलब अमली इकदाम बट बात इतनी नहीं है टॉरस मरकरी सेवन्थ एंगल पर अकेला नहीं है वहाँ मार्स ऑलरेडी मौजूद है और वो मार्स का ही हाउस है दैट मींस यू आर ऑन योर बेस्ट इन योर फिजिकल स्ट्रेंथ फॉर द कंपिटिशंस यू आर ऑन योर बेस्ट इन योर ब्रेवरी यू आर ऑन योर बेस्ट इन योर डिसीजन पावर यू आर ऑन योर बेस्ट इन योर फिज़िकल स्ट्रेंथ स्टेमना जब ये तीन प्लानट मिलेंगे जब जहनी कारी बेहतरीन हो इरादे मज़बूत हों जिसमानी ताकत मौजूद हो तो ये रे, रियल टाइम बिहेवियर है जब कामयाबी की तीनों चीज़ें मैसर हैं एंड अगर आपके पास कुछ भी प्लान है कुछ करने को है तो आप कामयाबी की डगर पर है इसके अलावा जो उसके जनरल एडवाटेजेज़ज़ज हैं जहाँ पर मरकरी है जहाँ पर मार्स है जहाँ पर सन है उसके जनरल एडवाटेजेज़ज़ज़ज़ज़ में प्रॉपर्टी का ख़रीदना बेचना अच्छा रहेगा घर की ताजीनों आरइश करना अच्छा रहेगा गाड़ी बदलना या गैजेट्स का लग्जरी साइड पर लेकर जाना अच्छा रहेगा जॉब स्विच करना डील मेकिंग करना पब्लिक इंटरेक्शंस करना सियासत में हिस्सा लेना कंपटिशन्स में हिस्सा लेना ये सब अच्छा रहेगा इवन गेम्स वगैरह ये सब भी आपके लिए कम्पटिशन है इसमें कामयाबी रहेगी अपने मुखालफी के साथ तुकत बहाल करने की कोशिशें करना अपने उलझे हुए रिश्तों को दोबारा स्मूद एंड सिल्की करने की कोशिशें करना उलझे हुए कामों को दोबारा सेटल करने के लिए प्लान करना अपनी बीमारी पर काबू पाने के लिए कोशिशें करना ये सब आपके लिए मुमकिन हो पाएगा फिर तीसरी खबर जो इसी पाँच नवंबर को आएगी वो न्यू मून है रबी का नया चांद हो जाएगा एंड ये आपके यहाँ न्यू मून सेवनथ एंगल पर होगा नया चाँद वैसे सेवंथ एंगल पर हो तो अच्छा होता है जर्नली लेकिन ये सेवंथ एंगल जो आपके लिए है ये स्कॉर्पियो एंगल है एंड मून इन स्कॉर्पियो जो बड़ी मशहूर एक असलाह है कमर दर अक्रब एज यू नो मून इन स्कॉर्पियो इज नॉट अ गुड पोजीशन ऑफ मून साइन ये सवा दो दिन के लिए सेवंथ एंगल पर रहेगा एंड इट इज़ क्रिएटिंग सम ट्रबल बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी इट इज़ क्रिएटिंग सम ट्रबल बट वो ट्रबल इतनी असरअंदाज होंगी नहीं लिहाजा फिर भी जो लोग ज़रा सेंसिटिव हैं ज़रा केयर होकर केयरफुल होकर चलिए पाँच छः और सात तारीख को नवंबर की लेकिन अदरवाइज क्योंकि स्कॉर्पियो एंगल पर उसका अपना रूलिंग प्लानट मार्स मौजूद है तो चांद वहाँ पर कोई बहुत नेगेटिव असर डाल नहीं पाएगा लेकिन अगर कोई पहले ही बहुत सेंसिटिव है ज़रा सी खराबी उसके मूड को स्विंग कर देती हो कोई टॉरस ऐसा भी हो सकता है बीमार टॉरस जिसे हम कह सकते हैं तो उसके लिए ये पाँच छः और सात तारीख़ थोड़ी ट्रबल की हो सकती है उन तारीख़ों में साइन सिग्नेचर करने से किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने से ज़रा गुरेज करें एंड अपनी सेहत का खसूस ध्यान रखे किसी झगड़े बहस तकरार तकरार में इन्वॉल्व ना हो उसे हार्श कर सकती है। जो लोग ऐसे टोरियंस हैं जो कुछ करना चाहते हैं जिनके पास प्लान्स हैं रिसोर्सेज हैं विल है वो यकीन कर लें कि पहला ही वीक आपके लिए कामयाबियों की पहला वीक ऑफ नवंबर आपके लिए कामयाबियों को एक नई बुनियाद रखेगा विद द हेल्प ऑफ़ योर रूलिंग प्लान यानी ये रब की स्कीम है आपके लिए आपके लिए एक सपोर्ट है अगर कोई टॉरस अपने गोल्डन अपने रूलिंग प्लानट को गोल्डन फॉर्म में लेकर भी कामयाब ना हो तो वो इस चार महीने को प्लीज़ खुदारा ज़ाया मत करें अपनी ट्रीटमेंट की तरफ जाइए जो वीकनेसेस हैं पहले अपनी विल से उसे रिकवर कर लीजिए इरादों से अगर ख़ुद आप अपनी कमजोरियों पर काबू पा जाए बहुत अच्छी बात है बट अगर आप ख़ुद काबू नहीं पा रहे तो गो विद रूबी एमरल्ड स्टोन ये जनरल रेमेडी है इस एंड सूर्य यासीम सेकेंड लास्ट आयत सूर्य शम ये बेहतरीन आपको सपोर्ट करेंगे बट अगर आप ऑलरेडी ये चीज़ें कर चुके हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे तो फिर आप अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाइए ताकि पता चल सके कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसे रिकवर किया जा सके ताकि आप अपने रूलिंग प्लानट के अगले चार महीने के फेज़ को अच्छे अंदाज से कैश कर सकें अगर आपको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस के लिए आस्ट्रोजेम्स के फोरम को यूज़ करना हो एज अ प्रोफेशनल तो नंबर नीचे चलते रहते हैं आप इन पर रबता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस हो आप अंडरस्टैंड करेंगे अगले हफ़्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी और वो आपके लिए बहुत अहमियत वाली होंगी जब रूलिंग प्लानट अच्छी फॉर्म में हो तो हर चेंज आपके लिए बहुत अहमियत वाली होती है कुछ अच्छी होंगी कुछ कमज़ोर होंगी बट उनको समझ कर चलेंगे तो आप वक्त से ज़्यादा अच्छा एडवांटेज ले सकेंगे और अगर मेरी ये नॉलेज मेरी ये गिवन इन्फॉर्मेशन टाइमली एज अ प्रोफेशनल इवेंट आने से पहले पहले आपको बता देना अगर पसंद आती हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद टॉरियंस आपकी दुआएं हमारे लिए न सिर्फ इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कर दीजिएगा ये हमारे लिए हौसला अफजाई की वजह बनेगी अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने